अगर दोस्तों आप चार धाम की यात्रा के लिए ई पास डाउनलोड करना चाहते हैं, जिससे कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वहाँ पे बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ई पास घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से चार धाम की यात्रा के लिए ई पास घर बैठे कैसे बना सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप घर बैठे चार धाम की यात्रा के लिए ई पास बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ कि यदि आपने ई पास बनवा दिया है तो अब फिर यदि आप इसको घर बैठे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल को इस प्रकार से सर्च करना है, और उसके बाद गूगल के अंदर आपको लिखना है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चार धाम यात्रा की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है यात्रा ई पास, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करना दोस्तों, यदि आपने ई पास बनवा दिया है तो आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड यात्रा ई पास, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करना दोस्तों, यहाँ से आपको फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है जिससे कि आप ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर है और मोबाइल नंबर है, और उसके बाद दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यदि आप मोबाइल नंबर के द्वारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो ई पास है मैंने जब बनाया था तो मुझे एक SMS मिला था जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे मैसेज मिला था, जो कि ई पास जब मैंने बनाया था तो यहाँ पे मिला था। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फिर आपने जो भी ई पास बनाते समय आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लगाना है, और लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया हुआ है आपको इस कैप्चा को इस प्रकार से फिल करना है, जो भी इसके अंदर लिखा है इसी प्रकार से आपको इसके अंदर लिखना है, जिससे कि आप ई पास बनवा सकते हैं, मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है प्रोसीड, तो हमें इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक में दोस्तों यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हमारा जो ई पास है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब यदि इसको हम देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू डाउनलोड यात्रा ई पास पे हमें क्लिक करना है, जिससे कि हम इसको देख भी सकते हैं, और साथ में यदि हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्रिंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे PDF का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं।